शुरू हो गई है नीट और JEE की तैयारी, अगर नहीं तो शामिल हो जाएं द नॉलेज गेट, वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक कोचिंग इंस्टीट्यूट इन मुंब्रा कौसा, अफोर्डेबल फीस के साथ। सेपरेट बैचेस फॉर गर्ल्स, ऑडियो वीडियो रूम, डिजिटल सिलेबस और लाइब्रेरी। 8-12 कॉमर्स एंड साइंस। इसके अलावा IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। यू डिजर्व द बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन, तो आज ही इनरोल करें द नॉलेज गेट इंस्टीट्यूट में। फर्स्ट कंपार्टमेंट है, यहाँ से और चालू होता है पीछे तक, कुछ लेडीज बैठी हुई है और पीछे तक कहीं भी पुलिस नहीं है। इतनी सारी पुलिस है लेकिन हमारे कंपार्टमेंट में एक भी पुलिस नहीं थी। इतनी सारी पुलिस है यहाँ पे, किसी के पास जवाब नहीं है। जवाब नहीं है तो ऐसे ऐसे बदतमीजी करेंगे लोग। बिना वर्दी के आई है और पुलिस वाली बन रही है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई महिलाओं के लिए काफी सेफ माना जाता है, ऐसे में रेलवे में महिला सुरक्षा को लेकर रात के समय महिला डिब्बे में एक पुलिसकर्मी को भी तैनात किया जाता है, मगर जब पुलिसकर्मी महिला डिब्बे में तैनात ना हो तो महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं। और जब एक महिला ने पुलिस से सवाल किया कि आखिर महिला डिब्बे में रात के समय पुलिस क्यों नहीं थी, तो पुलिस का भी रवैया देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल दिन रात नयन कार्यकर नाम की एक महिला अपने एक महिला साथी के साथ चर्च गेट से लोकल ट्रेन के महिला डब्बे में देर रात सफ़र के लिए चढ़ती है, मगर इन्हें हैरानी तब होती है जब इस महिला डब्बे में कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं रहता। जाहिर सी बात है कि अगर सुरक्षाकर्मी नहीं है तो सवाल उठेंगे ही। तभी ये महिला अंधेरी स्टेशन पर उतरकर वहां कुछ पुलिसकर्मियों से जानकारी लेना चाहती है कि आखिर महिला डब्बे में इतनी रात के वक्त पुलिसकर्मी क्यों नहीं है, मगर किसी पुलिस वाले के पास इसका जवाब नहीं था और जवाब भी क्या देते ये। मगर यहां पर एक पुलिसकर्मी का रवैया काफ़ी हैरान कर देने वाला रहा। जो सवाल उठा रही थी महिला, उससे ये पुलिसकर्मी उलझने लगा। हालांकि जानकारी के मुताबिक महिला की लिखित में शिकायत ली गई है, मगर ये वीडियो काफ़ी महिला सुरक्षा को लेकर अब चर्चा का विषय बना हुआ है कि लोकल ट्रेनों में सफ़र करने वाली महिलाएं जो रात के समय चलती हैं, अगर इसी तरह से लोकल ट्रेनों में सुरक्षाकर्मी नहीं रहे तो ये वाकई में महिला सुरक्षा पर सवाल खड़ा करती है। मुझे लग रहा है अभी लास्ट लोकल भी चली गई है, प्लेटफॉर्म पे भी मुझे कहीं पुलिस नज़र नहीं आ रही है। सो इन केस अगर किसी के साथ कुछ इंसिडेंट हो जाता है कंपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि वहाँ पर पुलिस नहीं थी, लेडीज़ बैठी थी सारी, और ऑलमोस्ट एक बज गए हैं, ऑलमोस्ट क्या 1:10 हो गए हैं, और ऐसे में अगर उतरने के बाद कोई अप्रोच करना चाहे पुलिस को, तो यहाँ पर पुलिस नहीं है, तो मतलब मुझे अगर कुछ करना है, पुलिस को अप्रोच करना है, पुलिस के पास कुछ रिपोर्ट निकालनी है, तो मुझे यहाँ से ऑल द वे जो इनका स्टेशन मास्टर का ऑफिस होगा वहाँ पे जाना पड़ेगा। दिस इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड यार, मतलब कैसे इतने सारे इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सारे अगर हम पास्ट में भी देखें, नई सारी न्यूज़ आती है और मतलब लेडीज़ सेफ नहीं है, इसके बावजूद भी किसे इस तरह से इतने इर्रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इंडियन रेलवे। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर एक कोई तो पुलिस वाला मुझे दिखे, उसको मैं पूछूँ कि भाई मेरे कंपार्टमेंट में 1 भी क्यों कोई नहीं था, बट मुझे अभी कोई दिख नहीं रहा है। मुझे लग रहा है भाई मुझे डायरेक्ट स्टेशन मास्टर के ऑफिस ही जाना पड़ेगा। लेट्स सी वहाँ पे कोई मिलता है क्या। और ये हम लोग अंधेरी स्टेशन के ऊपर आ गए, और ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी पुलिस है। मी आता चर्चगेटवरून आली, फर्स्ट कंपार्टमेंटमध्ये एकही पुलिस नव्हता, रात्री 1 हां, पण अभी देखिए यहाँ पर इतनी सारी पुलिस है, इतनी सारी पुलिस है, लेकिन हमारे कंपार्टमेंट में एक भी पुलिस नहीं थी, एक भी होमगार्ड नहीं था, और ये मुझे बोलिए शूट मत कीजिए, मतलब हम लोग मतलब इनको पूछ भी नहीं सकते।
हमें पूछने का हक भी नहीं है। आप बता सकते क्यों नहीं था? मैंने चर्चगेट से 12:45 की ट्रेन पकड़ी थी, सॉरी 12:30 के आसपास, और 1:10 बजे मैं उतरी हूँ। लेडीज़ कंपार्टमेंट में एक भी पुलिस नहीं था। इतनी सारी पुलिस है यहाँ पे, किसी के पास जवाब नहीं है। आप में से कोई भी बता सकते हैं क्यों नहीं था कोई? कौन है आपके सर? सर आप बता सकते हैं क्यों नहीं था? एक भी पुलिस नहीं थी। कोई तो आप में से जवाब दे सकता है? यहाँ पर इतनी सारी पुलिस है, लेडीज़ के कंपार्टमेंट में रात को 1 बजे प्रॉब्लम पुलिस नहीं था तो भी प्रॉब्लम हाँ। है इधर पुलिस है तो पुलिस इधर होने से प्रॉब्लम नहीं। आप ऐसे जवाब मत दीजिए मुझे, तो जवाब मुझे ये चाहिए कि पुलिस अच्छा 10 कितने बजे के बाद जवाब देना है? हाँ तो लेडीज कंपार्टमेंट में नंबर है ना, कंट्रोल के नंबर रहते हैं, आप फोन करके बोल। अच्छा मैं पूछ रही थी, मैं इनको पूछ रही थी, ये लेडीज पुलिस है, मैं इनको पूछ रही थी। मैंने देखा कि आप यहाँ पे रेलवे पुलिस है तो ये मेरा फर्ज बनता है आपको पूछना। पुलिस नहीं था डब्बे में तो भी आपको प्रॉब्लम है, इधर पुलिस नहीं था वही तो प्रॉब्लम है। मुझे यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पर इतनी पुलिस है, लेडीज कंपार्टमेंट में एक पुलिस क्यों नहीं है? एक भी पुलिस क्यों नहीं लगा ना? कंट्रोल रूम को कैसे फोन करें? तो आप इन्होंने मुझे बोला, आपको इन्होंने मुझे बोला कि जो एक मिनट आप ऐसे मेरे साथ बात मत कीजिए, ठीक है? रिस्पॉन्सिबल हाँ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते अगर मैं ट्रेन से ट्रैवल करी हूँ एक फीमेल, अरे तो आप ऐसे पूछो, मैं ऐसे भी पूछा आपको मैंने तो आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। पुलिस है तो भी आपको प्रॉब्लम है? पुलिस नहीं है तो प्रॉब्लम है क्या? पुलिस नहीं कंपार्टमेंट में नहीं थी ना? एक एक नहीं एक आपका ड्यूटी इधर होने दीजिए, कहीं बेहतर। मैं स्टेशन मास्टर का ऑफिस ढूंढ रही थी, ठीक है? ये कैसे जवाब दे रहे? देखिए मैं इनको पूछ रही हूँ तो ये बोले कि यहाँ पर पुलिस है तो आपको प्रॉब्लम है, वहाँ पर पुलिस नहीं है तो आपको प्रॉब्लम है। अरे मैं सवाल क्या पूछ रही हूँ और ये मुझे जवाब क्या दे रहे? मतलब इनके पास जवाब नहीं है तो ऐसे ऐसे बदतमीजी करेंगे लोग। मैंने इनको पूछा कि मैं चर्चगेट स्टेशन से चली हूँ, ठीक है? मेरे लेडीज कंपार्टमेंट में एक भी पुलिस नहीं था। मैंने इसे पूछा यहाँ पर बहुत सारे पुलिस दिख रहे थे। मैं एक्चुअली चली थी कुछ 12:30 के आसपास की कोई ट्रेन थी चर्चगेट से, तो मैंने भाई तक स्लो अभी ना हाँ चर्चगेट स्टेशन से हम लोग चर्चगेट स्टेशन से चढ़े थे। 1:10 बजे मैं यहाँ पर पहुँची, ठीक है? पूरे जर्नी में चर्चगेट से लेके अंदर ही तक कोई भी पुलिस नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो स्टेशन मास्टर कोई तो वहाँ पे पुलिस होगा, मैं पूछ लेती हूँ भाई ऐसे कैसे है, कोई तो पुलिस होनी चाहिए। तो मैं जैसे ऊपर आई तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारी पुलिस है, बोला ऐसे क्यों? अगर यहाँ पे इतनी सारी पुलिस है तो एज अ जस्ट एक नॉर्मल सिटी से होने के बाद में मेरे को सवाल पूछना था कि कंपार्टमेंट में पुलिस क्यों नहीं है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ऐसे नहीं कि 10:11 बजे का टाइम है, ठीक है? मैंने कुछ गलत बोला था, मैंने कुछ गलत बोला और अभी इनसे बात करी थी, ये मेरे पर खारिज में चढ़े जा रहे हैं। एक आम नागरिक होने के नाते आपको जो भी कुछ कहना है ना, आपने ट्रेवल किया, इतना लंबा ट्रेवल किया, आप पुलिस के पास एक डायरी होती है वो मांगिए, वहाँ पर कंप्लेंट करिए, कंप्लेंट दर्ज करने के बाद उनसे वो लेटर लीजिए और उसके बाद उसको फॉलो करिए जो सिस्टम है। नहीं नहीं आप पूछे ठीक है, उसके बाद आपको कंप्लेंट करना है। तो मैं मेरा सवाल बिना वर्दी के आई है और पुलिस वाली बन रही है। सो इतना सारा बवाल होने के बाद अभी ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोग चलिए हम आपको रूल्स दिखाते हैं कि पुलिस कंपार्टमेंट सॉरी लेडीज कंपार्टमेंट में पुलिस क्यों नहीं थी। तो मुझे भी इंटरेस्ट है जानने का कि आखिर ऐसा क्यों है। तो चलिए ये लोग अभी मुझे लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए, तो देखते हैं ये क्या जवाब देते हैं। सो ये देखिए ये सारे वो वहाँ पे लेडीज कांस्टेबल भी हैं, ये होम गार्ड है और यहाँ पे ये लोग अभी मुझे लेके जा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि इनका एक्चुअली क्या रीज़न है कि लेडीज कंपार्टमेंट में पुलिस नहीं थी। सो
हम लोग आ गए इनके पुलिस स्टेशन में। हाँ मैडम, आप जानकारी दीजिए। बस आना, बस ठीक है, ठीक है, बस। तो ये मैडम अभी सर बताएंगे, ठीक है सर। मैंने चर्च गेट से, नहीं इन्होंने बोला कि आपको हम पूरी जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, मोबाइल नीचे करो ना, हम देते हैं जानकारी। ठीक है, मैं बाद में बता दूंगी मेरे ऑडियंस को। सो बस यहाँ पे हम मेरी कंप्लेंट लिखवा के ले रहे हैं, जैसे बोले जैसे हम यहाँ पे आए तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया है, वो मैं आपके साथ शेयर करी। अभी बस यहाँ पे वो मेरी कंप्लेंट लिखवा के ले रहे हैं और इनकी इन्होंने इंक्वायरी भी कर ली है। फाइनली हम लोग वहाँ से बाहर आ गए, क्योंकि उन लोगों के साथ बहस करके कोई मतलब नहीं है। मेरा एक सिंपल सवाल था पुलिस से, रेलवे पुलिस जो भी वहाँ थी, कि मैं चर्च गेट में 12:28 की मैंने ट्रेन पकड़ी है और मैं अंधेरी में उतर रही हूँ, 1:10 हो गए थे। उस वक्त तक पूरे कंपार्टमेंट में एक भी पुलिस वाला नहीं आया, तो ऐसे क्यों? मुंबई में किसी भी जगह पर आप किसी भी लोकल में बैठ जाओ तो 10 बजे के बाद पुलिस को होना ही है लेडीज़ कंपार्टमेंट में। लेकिन और एक है कि जो फर्स्ट लेडीज़ कंपार्टमेंट होता है रेलवे का, उसमें तो हाँ मतलब 100% पुलिस होती ही है। तो मैंने बस जाके उनको पूछा कि भाई यहाँ पर तो मुझे बहुत सारी पुलिस दिख रही है, लेकिन मैं वहाँ से ट्रैवल करके आई हूँ चर्च गेट से अंधेरी तक, एक भी पुलिस वाला नहीं था, और वो भी 12 से 1 बजे के बीच में पुलिस वाला नहीं था। मतलब क्या हमें कुछ हादसा होने के बाद ही जागना है क्या? एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये मेरा हक नहीं बनता मैं पूछूं कि भाई लेडीज़ कंपार्टमेंट में पुलिस वाला क्यों नहीं है? जब मैंने उनसे पूछा तो वो मुझे जवाब दे रहे कि वहाँ पे 1512 नंबर ले होता है, आपने हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करना चाहिए था। लेकिन मुझे बताइए, क्या मेरे पास इतना वक्त रहेगा ये मेरा लॉक खोलूं, मैं ये खोलूं, फिर मेरा मोबाइल निकालूं और फ़ोन करूं? मतलब मेरे साथ अगर कोई इंसिडेंट हो रहा है, कोई आके मुझे मार रहा है या फिर मेरे साथ कुछ गलत चीज़ कर रहा है, तब मेरे पास क्या टाइम है? तो ऐसे वक्त के लिए क्या ज़रूरी नहीं है कि इनकी पुलिस ऑलरेडी कंपार्टमेंट में हो? तो उस बात पर वो लोग मेरे से झगड़ा कर रहे हैं। मतलब वहाँ पर कुछ पुलिस थी जो कि अच्छी थी, मैं तो इतना झगड़ा करके वक्त थक भी गई, ब्रीदिंग पीछे हो गया इतना। मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है इंडिया में क्या? मतलब कोई हादसा होने के बाद हमें जगना है, ये हो गया, मतलब पूछने का हक नहीं है। तो मैंने अभी फॉर्मल जाके, उन्होंने मुझे बोला, जो मेरे साथ लेडी कांस्टेबल थी वो थोड़ी समझदार लग रही थी, फिर वो मुझे लेके गई, वो दोनों वहाँ पे PSI जाधव करके थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि वो आपको रूल्स बताएंगे कि क्यों नहीं थी। मैंने बोला आपके किसी भी रूल में क्या ये मेंशन है कि किसी भी टाइम में 10 बजे के बाद पुलिस वाला अगर नहीं है तो भी ओके है? मैंने नहीं, ऐसा तो कोई रूल नहीं है। तो ऐसा रूल नहीं है तो फिर आप लोग मेरे साथ क्यों बहस कर रहे हैं? तो इतना सब होने के बाद उन्होंने मेरी एक कंप्लेंट ले ली, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इतना, मतलब इनके साथ तामझाम करो, कंप्लेंट करो, ये करो, वो करो। लेकिन मैंने यस एक फॉर्मल कंप्लेंट वहाँ पर कर दी है कि जो मैं चर्च गेट से निकली हूँ और यहाँ पर आई हूँ अंधेरी तक, वहाँ पर तक एक भी कांस्टेबल नहीं था और एक भी होमगार्ड नहीं था। एक बहुत बड़ी बात इस सारे इंसिडेंट के बाद मुझे पता चली है कि पिछले 1 महीने से जिस ट्रेन में मैंने ट्रैवल किया है, पिछले 1 महीने से उसमें कोई भी कांस्टेबल नहीं होता है उस कंपार्टमेंट में, लेडीज कंपार्टमेंट में। अनदर शॉकिंग थिंग, बट क्या करें, सिस्टम में भाई ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसे कभी इंसिडेंट होता है तो आपको ज़रूर रिपोर्ट करनी चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। लेकिन तो हमने तो कर दी भाई,
लेकिन इस पूरे तामझाम में हमारा जो प्लान था जुहू बीच का वो कैंसिल हो गया। जो मेरी फ्रेंड रिकॉर्ड कर रही है ये वीडियो, उसको जाना था, उसके लिए मुझे ये सब मैंने तामझाम निकाला था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। डोंट वरी भाग्यश्री, हम लोग फिर से जाएंगे जुहू बीच, लेकिन ये सब झमेला जो हो गया वो तो अभी निपटा के हमारी लास्ट ट्रेन जो थी वो तो मिस हो गई है। ना हम जुहू बीच जा पाए, ना हम अभी लास्ट ट्रेन से घर जा पा रहे। फाइनली अभी यहाँ से ओला या उबर बुक करके हम लोग घर जा रहे हैं। आई होप वो ट्रैवल तो हमारा सेफ होगा, लेकिन ठीक है। आजकल ओला और उबर में भी हम देखते हैं कि पैनिक बटन दिया हुआ है, तो ठीक है। वैसे उनके यहाँ पे थोड़ी सेफ्टी लगती है। ऐसे ओला उबर में भी बहुत सारी इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन हमारा भी एक थोड़ा सा फ़र्ज बनता है बीइंग लेडीज और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न कि हम लोग को भी हमारी खुद की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। और हमें भी अगर ऐसे कुछ इंसिडेंट हमारे सामने आते हैं जहाँ पर पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, तो हमें उनको दिखाना चाहिए। तो मैंने वही किया, लेकिन इतना सारा थमझम हो गया, इतना सारा झमेला हो गया, बट फाइनली हम लोग कंप्लेंट करके अभी घर पे जा रहे हैं। तो ये पूरा वीडियो आपने देखा है। पुलिस की इस बर्ताव पर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये वीडियो आप, मैं नहीं बोल रही कि मेरी प्रमोशन के लिए मेरे को ये वीडियो वायरल करना है, बट ये वीडियो आप प्लीज़ लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये वीडियो अगर हम लोग ज़्यादा शेयर करेंगे तो हम लोग गवर्नमेंट को पूछ सकते हैं, ये रेलवे मिनिस्ट्री को पूछ सकते हैं कि ये सही है क्या।